क्या आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया से मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है। हमारे राज्य में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की बहुतायत है। यह रोग केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमारे देश तथा अन्य देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका में व्यापक रूप से पाया जाता है। इन इलाकों में मलेरिया का प्रकोप होने से सिकल सेल रोग के वाहकों चित्र अनुसार के लिए इसके कारक लाभदायी हैं। हसियाकार कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः यह मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार होती है। 15.3.2 मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हमने मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में जैविक प्रक्रियाएं 3 में पढ़ा है। हमने यह भी जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण 23वां गुणसूत्र की एक जोड़ी कारकों से होता है, मादा में XX, नर में XY। शुक्राणुओं और अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं, तब युग्मनज जायगोट में फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है। इससे संतति बनती है जिसका लिंग इस पर निर्भर है कि उसमें दोनों एक्स हैं या एक एक्स और एक वाई। अगर दोनों एक्स है तो मादा बनती है और एक वाई एक एक्स गुणसूत्र वाले युग्मनजों से नर बनता है। वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। चित्र से हम समझ सकते हैं कि नर व मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% है, यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है। उसके लिए न तो माँ और न ही पिता जिम्मेदार है। नर जनन कोशिकाओं में XY होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? 15.4 जनकों से संतान, कारक से जीन तक, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फैक्टर्स टू जीन्स। अनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान मेंडल ने ही दिया और इसलिए उन्हें अनुवंशिकी का जन्मदाता कहा गया है। मेंडल ने परिकल्पना की कि प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारक के द्वारा प्रकट होता है। इसके लगभग 60 साल बाद 1920 में टिड्डी के गुणसूत्रों पर प्रयोग कर रहे सटन ने बताया कि मेंडलीय कारक गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं और किसी एक जनक के एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र ही संतान को मिलता है। मेंडल को बैंगनी और सफेद फूल के बीच की कोई अवस्था नजर नहीं आई, क्योंकि बैंगनी और सफेद रंग के कारक अलग अलग गुणसूत्र पर पाए गए, अतः मिला जुला स्वरूप बनने की संभावना कम से कम होती है। मेंडल के कारक को आगे चलकर जीन कहा गया। तब यह स्वीकार कर लिया गया कि जीन ही वंशांगति के लिए उत्तरदायी इकाइयां हैं। बाद में हमें यह भी पता चला कि एक जीन से बैंगनी रंग निर्धारित होता है। पर जीन क्या है? शोध आगे बढ़ा और आनुवंशिक पदार्थ DNA की खोज हुई और उस पर उन हिस्सों की खोज होने लगी जहां से लक्षणों का निर्धारण होता है। जीन DNA के उस हिस्से को माना गया जिससे प्रोटीन बनने की सूचना मिलती है। किसी जीन समूह में एक भी जीन में फेर बदल से नए जीन समूह बनते हैं। ऐसे जीन समूह वाली संतान नए जीन समूह की होती है। चाहे वो हमारे शरीर में ही कोई नए जीन वाली कोशिकाओं का समूह क्यों न हो, नए जीन समूह से नई प्रजाति निर्मित होती है और इसके आधार पर प्रजातियों की परिभाषा आनुवंशिक प्रजातियों की अवधारणा जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दी जाती है। मनुष्य गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन का पूरा लेखा जोखा तैयार हो चुका है। इसका कई प्रकार से लाभ मिल रहा है, जैसे आनुवंशिक रोगों की पहचान व इनके इलाज में।